गाइस तैमूर क्या करते चेक करें न्यूज़ दे। काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। और आप लोगों ने मेरी वीडियो करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और करके ब्लॉग पे बहुत सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आई हूँ एक काम से, जल्दी जल्दी से वो काम करते हैं, फिर देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। अगर तो अभी मेरा काम हो चुका है, अभी मैं बहन के साथ हूँ बहन का काम कराने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बहन का काम कराने के लिए, जल्दी जल्दी जाते हैं। ऑफिस का टाइम जो है बंद हो रहा है क्योंकि मेरे काम के पीछे बहुत टाइम लग गया है। तो अभी हम जा रहे हैं बहन का काम कराने, जल्दी जल्दी से कराते हैं। ऑफिस बस बंद होने में मिल गया क्योंकि 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं। तभी हम आए, हमारे बहन का काम हमने कर लिया तकरीबन। तो पहले तो इस बात पर लड़ाई हुई कि इसकी आई डी कार्ड इसने मुझे दिया था, मैंने अंदर वाली जेब में रखे। मैं बोले जा रही हूँ कि नहीं नहीं तुमने मुझे नहीं दिया, तुमने मुझे नहीं दिया। अरे बोले मैंने दिया दिया दिया। उस बात में हमारी लड़ाई हो गई अंदर ही ऑफिस में, मतलब बंदे के सामने हमें लड़े जा रहे हैं। तो खैर इसका काम नहीं बना, अभी कल हमें फिर से आना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और शुक्र है कि ऑफिस बंद हो चुकी थी लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती से अपना काम करा लिया, इसका कंफर्म करा लिया कि इसका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी हमारा टैक्सी वाला जिन्हें वो इंतजार कर रहा है बाहर, जाते हैं टैक्सी में बैठते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। हो गया अंकल चलिए। तो गए जब हम टैक्सी से उतर के आए मेट्रो की तरफ, टैक्सी वाले ने सिर्फ 2 राउंड लगाया है, उसके बाद 350 रुपए लिए हमसे। हमने कहा जीना है, पहुंचाते थे इसे 2000 का हमसे ले ही लेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम मेट्रो में चले जाते हैं। और ये मेट्रो का सबसे लास्ट स्टेशन है और यहाँ पे सारे मर्द हजरात हैं और सिर्फ हम दो ही लड़कियाँ। अज़रा को डर लग रहा है लिफ्ट पे चढ़ने से, और ये फाइनली हम चढ़ गए। गिरने लगी थी मैं, ये फाइनली हम चढ़ गए। इस पे चढ़ने से क्या डर लगता है बंदे को, इस पे क्या है इतना मौत पड़ती है इसको, इसको डर लगता है। अभी देखते हैं आगे हम टैक्सी उठाते हैं या फिर पैदल चलते हैं, लेट्स सी, और फिर घर जाते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा सफर था वो बहुत लंबा था। एक गाड़ी हम पहले उबर कराई, हम एक जगह पे पहुंचे, फिर वहाँ उसको समझ नहीं लगा रास्ते का, फिर हम दूसरी गाड़ी चलाए, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी गाड़ी। अब अज़रा को यहाँ पे डर लग रहा है। 1 2 3 Go! और बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड। और मौसम देखें आप जरा। तो गाइस अभी हम आए यहाँ पे एक नए नए शॉपिंग मॉल के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस ये अभी हमारा दूसरा लिफ्ट है जहाँ हम चढ़ने लगे और अज़रा को चढ़ाने लगे। ये देखें इससे आज कितना टाइट पकड़ा हुआ है। 1 2 3 रेडी गो। फाइनली एक सीढ़ी और मैंने इस पर चढ़ा दी है। अब हम जाते हैं ऊपर, और ये बिल्कुल नया यहाँ पे खुला है, नया शॉपिंग मॉल है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड है, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, देखते हैं और आप हमको दिखाते हैं। 1 2 3 गो। तो ये देख सकते हैं इतना कोई ज़बरदस्त इतना शायद अभी तक ये लोगों को पता भी नहीं और सही सही ओपन भी नहीं हुआ हुआ। चल चल के हमारा बुरा हाल हो गया था, तो हमने सोचा कि हम इस जगह पे जाते हैं, इसको एक्सप्लोर भी करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कुछ अच्छी सी चीज़ें मिलती तो हम शॉपिंग भी कर लेंगे। अब चलते हैं ऊपर वाली पोर्शन, अगेन एक और सीढ़ी। 1 2 3 आर यू रेडी गो। 1 2 3 गो। ये देख सकते हैं ये बच्चों का एरिया है, किड्स के लिए अगर आप तुम कपड़े चाहिए तो आप आके यहाँ देख सकते हैं। हम जाएंगे अंदर, देखते हैं हम प्राइस का भी पूछ देंगे, प्राइस इनकी किस तरह है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है या नॉर्मल। इतनी म्यूजिक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये भी इट्स मी। मज़े मज़े से छोटे छोटे से शॉप से हम जाते हैं अंदर, देखते हैं। ये भी इतना क्यूट से, ये भी और 700, और ये सारा एंड मैरिड।
आपको बहुत सारे मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे से कलेक्शन है इनके पास। ये आप देख सकते हैं प्यारा से ही अजरा लेना चाह रही है, लगा के दिखा। ये बहुत मजे आए हाय। दिस इज समथिंग लाइक दिस, सो क्यूट। और ये मज़े मज़े के टेडी बियर्स प्यार और हर तरह के, बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी, डिफरेंट स्टाइल। अगर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट वैरायटीज़, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप ज़रूर इनसे आके बाय कर सकते हैं। लोकेशन जो है ना वो जीना इन मर्कज़ में है, पार्क चाइना के नाम से इन्होंने एक मॉल खोली है जीना इन मर्कज़ में, और बहुत ज़बरदस्त छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और आपको हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पर मिलेंगे, हर तरह की चीज़ें, और सारे इम्पोर्टेड चीज़ें हैं और कोई भी लोकल चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। गिर ना जाना बहन, तो आप ये कह सकते हैं ये एक छोटा सा सेंटोरस है, मिनी सेंटोरस का नाम आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा है और बहुत क्यूट सा है, और चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका फन सिटी भी बना हुआ है और बच्चे अंदर जो है ना वो मज़े से खेल रहे हैं, और ये बच्चों के लिए बनाया है और हम बड़े भी जाके यहाँ पे खूब मज़े कर सकते हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये बच्चे यहाँ अंदर खेल रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और सबसे जो लास्ट पोर्शन है वो खाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आके आप मज़े मज़े के फूड इंजॉय कर सकते हैं, और ये सीटिंग एरिया इनका देख सकते हैं आप, सीटिंग एरिया भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। और बस ये लास्ट पोर्शन था, अभी हम जा रहे हैं दोबारा नीचे की तरफ। सिर्फ दो ही कैफे बने हुए हैं, दो कैफे के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ। अजरा की हम पिक्चर लेने लगे हैं, फेमस जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन है, इसके साथ अब इसकी पिक्चर लेंगे। अब इस बंदे के साथ पिक्चर ले ली, अभी इसको इस बंदे के साथ भी पिक्चर लेनी, ताकि ये नाराज ना हो जाए। हजरा बाजी के साथ पिक्चर नहीं लेनी तुमने? बाजी के साथ भी ले लो, उसको बुरा लग जाएगा। वो बाजी क्या परेशान हो जाती हो तुम। ये जो सारा पोर्शन है इसमें बस आपको शूज़ ही मिलेंगे, इसके शूज़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मिलेंगे, और उसके बाद लड़कों के कपड़े मिलेंगे, यहाँ पर सिर्फ बेबीज़ के कपड़े आपको मिलेंगे। लेकिन ये क्यूट क्यूट से, ये भी इतना क्यूट से, और इतना क्यूट सा फ्रॉक। तो अभी हम प्राइसेस चेक करेंगे कि इनके प्राइसेस कैसे नॉर्मल है कि या एक्सपेंसिव है। तो सेंटोरस से कम नहीं है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस हैं। मुझे एक शॉप पे 900 की शर्ट दिखी है, तो मैं जा रही हूँ वो देखने के लिए। अब चलते हैं शॉप के अंदर, देखते हैं 900 की है या फिर। अस्सलाम वालेकुम, ये देख सकते हैं ये शर्ट्स। और यहाँ पर आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, ये सारी लेडीज़ आउटफिट्स, वो भी सारी लेडीज़। यहाँ पे आपको बेड भी मिलेगा, अगर आपने आके यहाँ पे रेस्ट करनी है तो आप आके यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लैक कलर के ये इनके क्या प्राइसेस हैं? और 1800 की शर्ट्स मिल रही हैं यहाँ से इसमें। एंड और ये है मेरा आज का आउटफिट, और ये मेरा बैग, एक ही बैग है जो कि मैं लेके घूम के रहती हूँ। तो इस पोर्शन से आपको मिलेगी ज्वेलरीज, बैग्स, परफ्यूम और लेडीज़ कपड़े हैं जो कि हर पोर्शन में आपको मिलेंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं परफ्यूम्स ट्राई करके हम खुद पे थोड़ा लगा के घर चलते हैं। हम जा रहे हैं बैग्स कलेक्शन देखने के लिए, तो हमें कुछ पसंद आता है कि नहीं। 1800 का क्यूट से, और भी कलर्स हैं, बस यही कलर है। ये भी इतना मज़े का है, ये इतना क्यूट है, ये रेड वाला। रेड भी अवेलेबल है, 3000 के 2500 के हो जाएंगे। वैसे भी मैं घर आ चुकी हूँ, अभी कपड़े चेंज करूँ, कपड़े चेंज करके जाके चाय पीऊँगी। कि जब आप लोगों ने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स की कल की वीडियो में, उनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो जो मैसेज था वो कुछ लोगों के लिए था, ऐसा भी नहीं कि सबके लिए था, कुछ लोगों के लिए था जो कि वो समझ गए होंगे कि किन के लिए था। तो बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे। आप लोगों की वजह से तो मैं यहाँ तक हूँ, और आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट की है। आप लोगों की बात मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, जिनकी की थी उनको समझ आ गई थी और उनको समझ लग गई होगी। तो आपने बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मतलब अगली वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।